हेलो स्टूडेंट्स, सो इन प्रीवियस सम लेक्चर्स वी सीन कि हाउ वी फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस. ओके, सो आई होप कि आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब लास्ट हम लोग मिसेलेनियस एक्सरसाइज के कुछ सम्स की बात करते हैं. ओके, सो इन मिसेलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट कि लेट ए इज इक्वल्स टू 0100 देन we have to show that ki ai plus d a raised to n is equals to a raised to n I plus n a raised to n minus 1 b a, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to n. Okay, so in 11th standard we seen in chapter number 4 if some result is given for all n belongs to n, then how we prove that रिजल्ट. ओके, आप लोगों को पता है कि अगर n बिलोंग्स टू n के लिए, मतलब कि फॉर ऑल n अगर हमें कोई रिजल्ट प्रूव करना है तो हम लोग कौन सी मेथड से करते हैं, तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टेक्निक्स की PMI. सो ये जो सम है, मतलब वो भी हमें सारे n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू है ऐसा दिखाना है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मेथड वही यूज करनी है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और वही स्टेप्स फॉलो करने पर आप लोगों को ये जो रिजल्ट है वो प्रूव करना है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग जितने भी ये सम करेंगे तो क्या करेंगे, यूजिंग PMI, दैट मीन्स की प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें PMI के लिए स्टेप्स कौन कौन से थे, तो स्टेटमेंट P ऑफ n में लिखना है, फिर P ऑफ 1 के लिए ट्रू है ऐसा दिखाना है, K के लिए एज्यूम करना है, और फिर K प्लस 1 के लिए ट्रू है ऐसा दिखाना है. तो ये चार स्टेप्स जो है हमें फॉलो करने हैं. ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे P ऑफ n, सो यहाँ पे आप लोगों का P ऑफ n क्या होगा, सो जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है वो, दैट मीन्स की AI plus BA raised to n is equals to A raised to n I plus n A raised to n minus 1 B A. Okay? Now, for n is equals to 1, we have to show that P for n is equals to 1, P of n is true. That means P of 1 is true. So, P of 1 के लिए क्या करना है, LHS is equals to RHS. तो अगर हम लोग LHS की बात करते हैं तो LHS में n is equals to क्या प्रूव करना है, 1. सो यहाँ पे क्या आंसर होगा, AI plus BA raised to 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं. Then RHS, RHS क्या होगा, तो n is equals to 1, that means की AI plus n is equals to 1 प्रूव करना है, तो ये 1 minus 1 0, that means की A raised to 0 क्या हो जाएगा, 1, और n is equals to तो 1 ही रखना है, तो ये 1 into 1 ये पूरा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा b a. सो यहाँ पे मिल गया हमें LHS is equals to RHS, therefore हम लोग क्या कह सकते हैं, p of 1 is true. ओके, अब p of 1 is true हमने लिख लिया, उसके बाद सेकेंड स्टेप कौन सा था, कि हमें ये रिजल्ट n is equals to k के लिए ट्रू है ऐसा एज्यूम करना है. ओके, सो एज्यूम दैट p ऑफ k फॉर n is equals to k, p ऑफ k क्या होगा यहाँ पे, सो ai प्लस ba raised to k is equals to a raised to k I plus k a raised to k minus 1 b a is okay. Okay, for all k belongs to n. Okay, so n is equals to k लेते हैं तो वहां पे p of k true है वैसा हमें assume करना है. ओके, अब assume करने के बाद हमें कौन सा स्टेप करना है, लास्ट की k plus 1 के लिए ये रिजल्ट true है ऐसा
of k plus 1 is true. So for n is equals to k plus 1, अब n is equals to क्या लेना है हमें k plus 1, so यहाँ पे क्या हो जाएगा p of k plus 1, start कहाँ से करना है k plus 1 में LHS से और लाना कहाँ है answer RHS में. RHS में हमें पता है कि यहाँ पे answer हमें k plus 1 put करने के बाद answer क्या मिलना चाहिए, तो यहाँ पर always हर जगह n की जगह क्या होना चाहिए k plus 1. इन शॉर्ट हमें आंसर लिखना होता है, यहाँ से डायरेक्ट पहले वेरीफाई कर सकते हैं कि आंसर क्या मिलेगा, क्या होगा यहाँ पे a raise to k plus 1 i, उसके बाद ये k plus 1, यहाँ पे क्या होगा a raise to k plus 1 minus 1 v, ऐसा कुछ होगा. then ये a raise to k plus 1 i plus k plus 1 a raise to प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या होगा a raise to k v a. इन शॉर्ट हमें ये आंसर लाना p raise to k plus 1 के लिए. स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे जो LHS हमारा है वहां पे n is equals to k plus 1 पुट आउट करना है और आंसर हमारा क्या आना चाहिए, तो RHS में k plus 1 पुट कर उतना आंसर हमारा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आना चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा AI plus BA raise to K plus 1. ओके, अब अगर इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं AI plus BA raise to K plus 1 को, तो AI plus BA and AI plus BA raise to K. K plus 1 को अगर हम लोग स्प्लिट करें तो AI plus BA into AI plus BA raise to K लिख सकते हैं. अब AI plus BA raise to K इसका एक रिजल्ट हमारे पास है, तो हम यहाँ पे क्या पुट आउट करेंगे AI plus BA then A raise to KI plus K A raise to K minus 1 B. ओके, और आप दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर ये आ रहा है कि नहीं. ओके, सो यहाँ पे ए आई इंटू ए रेस टू के आई, फिर प्लस में ए आई इंटू के ए रेस टू के माइनस 1 बी ए, फिर लास्ट सेकेंड बी ए इंटू ए रेस टू के आई प्लस बी ए इंटू के ए रेस टू के माइनस 1 बी ए. अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो a की पावर क्या है a रेस टू के इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा a रेस टू के प्लस 1. अब i इंटू i तो वो क्या होगा i स्क्वायर, लेकिन हमें पता है कि i स्क्वायर दैट मींस कि i रेस टू n इज इक्वल्स टू i होगा, तो i स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं i, फिर प्लस में यहाँ पे सेम a की पावर क्या होगी, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे a रेस टू k माइनस 1, तो वो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या बचेगा k i k a रेस टू k d a. और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज i फिर a raise to k d a एंड देन लास्ट स्टेप में क्या होगा k a raise to k minus 1 d square a square. ओके, ऐसे चार स्टेप मिलेंगे. अब a square सपोज हमें फाइंड करना हो तो a is equal to हमारे पास मैट्रिक्स है 0 1 0 0. अब अगर हमें a square फाइंड करना है तो हमें पता है कि a square दैट मींस कि 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, और इस a square फाइंड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 0 0 0 0. दैट मींस कि a square हमें क्या मिला 0 मैट्रिक्स, और वो जीरो मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो. दैट मींस कि अब हमारे पास सिर्फ कितनी टर्म है
थर्टी ओके सो यहाँ पे एट इज टू के प्लस वन आई। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आई एट इज टू के बी ए दोनों टर्म में कॉमन है तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा के और यहाँ से क्या बचेगा वन और हमने क्या कॉमन निकाला एट इज टू के बी ए आई ओके। अब एक और रिजल्ट हमें पता है कि ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू क्या होता है वापस से ए तो हम ये ए आई है उसकी जगह पे वापस से ए लिख सकते हैं तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा एट इज टू के प्लस वन आई के प्लस वन एट इज टू के बी ए और जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो मिल गया एट इज टू के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन एट इज टू के बी ए। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। अब पी ऑफ के प्लस वन ट्रू है दैट मीन्स कि पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन देयरफॉर पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन ओके। सो एन एन के लिए हमने ये रिजल्ट जो हमने पी ऑफ एन एज्यूम किया था वो हमने क्या लिखा दिया ट्रू ओके। सो जितने भी रिजल्ट आप लोगों को फॉर एन बिलोंग्स टू एन ट्रू करने हैं वो सारे सम में आप लोगों को यही मेथड अप्लाई करनी। सपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है वहां पे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू दिया हुआ है वन 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 एंड वन 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 एंड ए डेज टू एन आप लोगों को दिया हुआ है थ्री डेज टू एन माइनस वन थ्री डेज टू एन माइनस वन थ्री डेज टू एन माइनस वन ओके। सो सेम चीज यहाँ पे आप लोगों का पी ऑफ एन क्या हो जाएगा ए डेज टू एन इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फिर फाइव पी ऑफ वन फाइंड करना है पी ऑफ वन के लिए टू ऐसा दिखाना है दैट मीन्स कि एन इज इक्वल टू वन लिखो तो ये वाला मैट्रिक्स मिलना चाहिए तो ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हो कि एन इज इक्वल टू वन दोनों साइड पुट आउट करोगे तो ये मिल जाएगा ओके। सेकेंड पी ऑफ के लिए एज्यूम करना है और के प्लस वन तो वहां पे भी सेम चीज क्या होगा ए इज टू के प्लस वन तो उसे आप लोग क्या लिख सकते हो ए इज टू के इंटू ए और ए डेज टू के आप लोग ए डेज टू के यहाँ पे एज्यूम करोगे फॉर के फॉर एवरी के बिलोंग्स टू एन एंड देन सेम प्रोसेस आप लोगों को पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू एंड देयरफॉर पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन ओके। सो ये दो तीन सम है उसमें आप लोगों को सेम प्रोसेस करनी है जितने भी सम आप लोगों को एन बिलोंग्स टू एन के लिए प्रूफ करने वो सभी में ओके। सो आई होप कि जो मेथड है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसेलेनियस एक्सरसाइज के कुछ और सम्स करेंगे ओके। थैंक यू।